खेती में बेहतर उपज आज देश की जरूरत है, इसीलिए खेती में धीरे धीरे हाईटेक चीजें आने लगी हैं। दुनिया भर में खेती में एआई और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। आसान भाषा में बात करें तो ड्रोन एक उड़ने वाला मशीन है जो कि दूर से चलाया जा सकता है और इसे कृषि के कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि फसल में तनाव की निगरानी, कीटनाशक उर्वरक जैसे सामग्री का अनुप्रयोग। खेती में उपयोग होने वाले कई ड्रोन 10 लीटर तक दवा का छिड़काव करीब 8 से 10 मिनट में एक एकड़ खेत में कर सकता है। ड्रोन के माध्यम से फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करना अब आसान हो गया है, इससे किसान खतरनाक कीटनाशक से दूर रहते हैं। इसके अंदर लगे हुए सेंसर के कारण ये सही मायने में सही जगह पर सही मात्रा में दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे किसान का वक्त और दवा का बचाव होता है। दूसरे तरीकों के तुलना में ड्रोन से हवाई छिड़काव 5 गुना तेज होता है। तो जो भी दवा पत्ता से ऑब्जर्व होता है अंदर पौधे में, वो सारा इसे स्प्रे कर सकते हैं। कोई पेस्टिसाइड हो, कोई इंसेक्टिसाइड हो, या कोई नैनो यूरिया, कोई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट डालना है। ड्रोन में लगे हुए कई सेंसर से 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकता है। इसके अलावा ड्रोन फसल के ग्रीन लाइट डाटा को भी कलेक्ट करता है। ये डाटा फसल के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज बनाने में मदद करता है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और किसान तक इस तकनीक को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार 19 फरवरी 2022 को कृषि ड्रोन स्कीम शुरू किया। इस स्कीम के तहत इसकी खरीदारी करने के लिए किसान उत्पादन संगठनों को 75%, महिला किसान SC ST किसानों को 50% और सामान्य वर्ग के किसान को 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 6 लाख से कम वाले भी है, जैसे कार लेते हैं ना, तो हर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का कार है, तो आप इसमें जैसे फीचर्स बढ़ते जाएंगे प्राइस बढ़ता जाएगा, लेंगे तो वैसे 4 लाख में भी आ जाएगा 10 लीटर वाला, लेकिन थोड़ा सा अच्छा खासा वाला 6 लाख में मिल जाएगा। सब्सिडी भी है इसमें, थोड़ा FPO के थ्रू लेंगे तो सब्सिडी मिलेगा 75%। FPO के लेना पड़ेगा FPO के नाम से। किसी ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफ़ी मदद मिल सकता है। ड्रोन से बड़े एरिया में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इसमें ना सिर्फ लागत की कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि सही समय पर खेत में सही चीज़ों का उपयोग किया जा सकेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।